किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है। पाकिस्तान में जब से CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ है, तब से पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के पलायन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार हो रही है, उससे तो पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के लिए CAA कानून मानो संजीवनी साबित हो रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार ने लोगों को वहां से पलायन को मजबूर कर दिया है। लोग जान बचाकर हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं, और जब से भारत सरकार ने CAA को मंजूरी दी है, तब से इसमें और तेजी आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने ही देश में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पाकिस्तान जैसे देशों में अत्याचार सह रहे अल्पसंख्यकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल CAA कानून भारत में नागरिकता देने का कानून है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक भारत आए हैं या यहाँ पर किसी भी तरह से शरण ली है, जिनमें हिंदू, सिख, पारसी, जैन शामिल है, उन्हें भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान से वैसे हिंदू और सिख जो 2014 के पहले हिंदुस्तान नहीं आ पाए थे, वो अब पछता रहे हैं और किसी तरह से अब सीमा पार कर हिंदुस्तान आने की जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, महज इस आस में कि कहीं आगे सरकार ने इस कानून में कुछ संशोधन किया तो फिर उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि अब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म ही नहीं बल्कि भेदभाव की सारी सीमाएं तोड़ी जा रही है। यकीन न हो तो इस पाकिस्तान की बात सुनिए कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके साथ वो सब हो रहा है जो किसी दुश्मन के साथ नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान के इन अल्पसंख्यकों के लिए एक नई मुश्किल की घड़ी खड़ी हो गई है। वो ये कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की संपत्तियों की कीमतें गिरने लगी हैं और कई लोग कम दाम पर ही संपत्ति बेच रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक 13 से 20 हिंदू और सिख परिवार जो पेशावर से चले गए थे और अब उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचा है। इन सिख परिवारों में से एक को अपनी यानी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों से जहां एक ओर अल्पसंख्यक हर हाल में वहां से पलायन करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर वहां पर उनकी संपत्तियों को कौड़ियों के दामों में बेचने को मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का व्यापार भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, खासकर सिंध प्रांत में जहां किराना स्टोर, फार्मेसी और दूसरे व्यवसायों में अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब ये सस्ते में उपलब्ध है, सिंध की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए वहां के अधिकांश हिंदू भारत पहुंचकर वहां नागरिकता लेना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, एक नई और अच्छी जिंदगी पाना चाहते हैं। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।